So the next topic is embryonic development. This one is a new topic and the last topic of this chapter. So students, embryonic development is a vast term where we will learn about the different stages like fertilization, okay, after fertilization, zygote formation, then embryogenesis. So these three phases, main phases are there. So as you can see the definition, the study of development of an organism from fertilization to the formation of young ones. तो embryology में हम पढ़ते हैं एक organism का development कहाँ पे, mother के womb में क्या होता है, जैसे ही fertilization होगा after that जो mother है उसके womb में plant जो implantation है implantation हो जाएगा. After implantation, the development of baby या fetus, okay? तो development of fetus होगा and embryogenesis होगी. तो उसके बाद जो young ones है, वो offspring है, वो well developed young ones की delivery होगी. तो ये पूरा का पूरा process कहलाता है embryogenesis या embryonic development. In fact, embryogeny includes all changes by which fertilized ovum is transferred into एन एडल्ट. तो एम्ब्रियोजेनी में हम सारी चेंजेस की बात करते हैं फ्रॉम द वेरी फर्स्ट स्टेज दैट इज़ फर्टिलाइज्ड ओवम टू द फॉर्मेशन ऑफ एडल्ट. तो फॉर्मेशन ऑफ सेक्स सेल्स और गैमीट्स इज सेड टू बी गैमेटोजेनेसिस, जो कि हमने पहले ही पढ़ लिया है, ठीक है, जिसमें हमने डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस से देखा मियोसिस देन माइटोसिस, उसके बाद हमने देखा कि किस तरह से स्पर्म और ओवम का फॉर्मेशन होता है. सो दिस टॉपिक वी विल कॉन्टिन्यू और इसके बाद हम फर्टिलाइजेशन की बात करेंगे, देन वी विल टॉक अबाउट एम्ब्रियोजेनेसिस द होल प्रोसेस. सो स्टूडेंट्स, जस्ट रिवाइज एंड रिकॉल द प्रीवियस टॉपिक्स, रिविजन करते रहिए और साथ ही साथ जो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंटल स्टेजेस हैं उनके बारे में थोड़ा सा आप पढ़ के रखिएगा. नेक्स्ट लेक्चर में हम कॉन्टिन्यू करेंगे यहीं से, फ्रॉम एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट एंड फर्टिलाइजेशन. ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू. Keep learning.